हाथों में कट्टा लिए ये है सरकारी स्कूल के निलंबित हेडमास्टर जी, जो निलंबन से इतने नाराज हो गए कि गांव की महिला सरपंच और उसके बेटे पर कट्टा तान दिया। मामला भिंड के जामुना गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। दरअसल आरोपी शिक्षक किशन शाक्य को कुछ दिन पहले ग्रामीणों की शिकायत के चलते निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद भी किशन लगातार स्कूल पहुंचकर अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन कर रहा था। जब शिक्षक स्कूल पहुंचा तो महिला सरपंच ने एतराज जताया तो मास्टर जी ने सरपंच पर ही कट्टा तान दिया। खाना वाना बनाए कि नहीं बनाए तो माँ पूछताछ करी कि यहाँ खाना बनाए तो माँ ऑफिस में गए बैठ गए जाए कि आप यहाँ क्यों आई स्कूल में, तो मैंने कि आप क्यों आए सस्पेंड तो आप तो हो गए यहाँ क्यों आए कि हम तो आएंगे और इनके ढंगा बैठे इनके ढंगा तो बैठ के दूसरे कमरा में गए। दूसरे कमरा में गए तो जो माए पीछे गाओ जाने के बच्चा पे माए पे कट्टा लगाओ तो बच्चा ने अंदर से कुंदी लगाए ली कुंदी लगाई ली फिर मेरे से बोला का भागो भागो नहीं मैं कट्टा चला दी। फिर हम किसके द्वारा कट्टा दिखाया गया? किशन साहब। किशन साहब मास्टर है। मास्टर है। क्या हुआ? मतलब भाग गए बच्चा माँ अंदर हो डंडे के मारे घुसेगा वहां में और भी गांव के लोग गए उन पे वहां ने अटो अटो नहीं कट्टा चला देंगे। वही वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने निलंबित हेडमास्टर के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तारीख को उसको सस्पेंड कर दिया गया तो आज उसी बात को लेकर वहाँ वो कट्टा लेके गया था और वहाँ उसने फायरिंग वगैरह की है और उस पर से उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है नियमानुसार। धारा उसमें शायद वो बता रहे हैं कि उसमें उसने पैसे की मांग की है, दारू बहुत पीता है, दारू के लिए पैसे की मांग की है और उसने ये जानते हुए कट्टे से फायर किया है कि उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी। तो उसमें 308, 327 और बाकी 294 इन सभी धाराओं के तहत उसमें प्रकरण पंजीकृत किया जा रहा है। बता दें कि आरोपी शिक्षक पर 5 साल पहले भी गाता गांव में पदस्थ अपनी शिक्षक पत्नी पर कट्टे से फायर करने का आरोप लग चुका है। फिलहाल शिक्षक के हाथ में कलम की जगह कट्टे का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। एमपी तक।